तो गाइस मैंने लॉक कर दिया है, ऐसे हाथ धोकर चलता हूँ फिर। और भगवान जी को भी तो सुलाना है। तो गाइस वैसे रात के 12 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पर तो पढ़ रहा था और देख रहे हो भैया तो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते ही सो गए। सो मुझे भूख लगा है, तब मैं ब्रेड और सैम खा लेता हूँ। रात को तो गाइस वैसे भी कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ब्रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। खाना तो अभी गाइस हो चुका है। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए बाय। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज तो हो चुका है नेक्स्ट डे और गाइस जैसा कि कल ही हमारी दीदी का शादी था, तो शादी तो हो चुका है और मम्मी पापा भी गाँव आ चुके हैं। सो अब 2-3 दिन में यहाँ भी आ ही जाएंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ गाइस भैया के लिए मॉर्निंग लेने, जस्ट बिकॉज उनके नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो चलता हूँ लेकर आता हूँ, गाड़ी नहीं पर मुझे भी क्योंकि गाइस भूख बहुत लग रहा है। रुकिए एक मिनट आप। So guys, अभी तो मैं आ रहा हूँ मेरा मॉली ले लिए, जस्ट बिकॉज मैं सिर्फ 85 रुपया लेकर गया था और उसका CP है 65 रुपीज। मुझे अभी 15 रुपया और चाहिए, सो लेता हूँ और फिर जाता हूँ। अभी तो गाइज मैं भी स्कूल से आ चुका हूँ और वैसे तो अभी बज चुके हैं 2:00 PM। तब तक गाइज मैं थोड़ा छत पे चलता हूँ। आप लोग भी गाइज इस कपड़े में देख देख कर बोर हो गए होंगे मुझे, जस्ट बिकॉज क्या करूँ गाइज हम कपड़े ही नहीं धो पा रहे हैं। जब से मम्मी पापा गए हैं मैं और भैया उसी कपड़े को पहन रहे हैं बार बार रिपीट करके। मम्मी जी तो यहाँ पे नहीं है कि डेली कपड़े धो कर देंगी, इसीलिए हम अभी नहीं पहन पा रहे हैं। और हमारा गाइज एग्ज़ाम का भी कोई ठिकाना है नहीं, पता नहीं कब होगा, बार बार डेट ही एक्सटेंड हो रहा है। भी गाइज अभी उतना नहीं है, देख रहे हो छत पे भी पूरा बहुत कम ही धूप है, हवा ही ज़्यादा चल रही है गाइज। मुझे लगता है नीचे ही जाना ठीक रहेगा और कंबल में बैठकर पढ़ाई करता हूँ। चल के चलते हैं गाइज नीचे ही, बिकॉज धूप तो नहीं है छत पे उतना। भैया तो गाइज अभी स्कूल से आकर रेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हो सोए हुए हैं अभी ये गाइज। उस टाइम पे भी आप लोगों ने भैया को सोया हुआ ही देखा होगा। और वैसे तो अभी 10 बज चुके हैं और हम अभी तक गाइज भूखे बैठे हुए, जस्ट बिकॉज हमारे घर के नीचे एक रेंटर रहते हैं, उन्हें मम्मी पापा ने बोल दिया है 2-3 दिन से खाना बनाने के लिए। सो भाई अभी खाना बना रहे हैं गाइज। मुझे लगा था ये सो चुके हैं बट ये तो जगे ही हुए हैं। मैंने जैसे ही गाइस कैमरा ऑन किया है इन्होंने कंबल ओढ़ लिया ऊपर, बात नहीं मैं इधर पढ़ता हूँ बैठकर। गाइस मम्मी पापा को तो आने में अभी और 2 दिन बाकी है, सो जब तक नहीं आते हमें तो ऐसा ही जीवन बिताना पड़ेगा। बाहर का मौसम का हाल ले लेता हूँ गाइस, वैसे दूर से तो काफ़ी ज़्यादा ठंड का महसूस हो रहा है। गाइस अभी तो लगभग सारा दुकान बंद हो चुका है, बस एक ही दुकान अभी तक खुला हुआ है। सब भी देख रहे हो गाइस कितना सन्नाटा सा छाया हुआ है यहाँ पर, पूरा हर एक जगह पे दुकान बंद। तो गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। गाइस वो भैया तो अभी जस्ट हमें खाना देकर गए हैं, सो अभी मैं खाने बैठता हूँ और भैया को भी जगा देता हूँ खाना खाने के लिए। यही